दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आपने बलेनो 2022 की बहुत सारी रिव्यू देखी होगी, लेकिन आज इस पे हम सिर्फ खास बात करेंगे। अगर आप नई बलेनो लेना चाहते हैं तो पुराने बलेनो से आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी और क्यों लेना चाहिए, हम उसकी बात करेंगे। इस बलेनो में आपकी जो पुराने वाली बलेनो थी, उस बलेनो से इस बलेनो की जो बॉडी की थिकनेस है वो 5 mm बढ़ाई गई है। इसका मतलब है 50 किलो का वेट सीधा सीधा बढ़ जाता है, जिससे आपके बॉडी को आप जब भी प्रेस करेंगे तो ये दबेगी नहीं जैसे कि पुराने बलेनो में दबती थी। जब भी बोनट को हम दबाते थे तो दब जाती थी, कहीं कहीं फेंडर में बहुत ज़्यादा स्थिति में दबती थी, और कई जगह तो ये भी हुआ है कि बलेनो साइकिल से टक्कर होने के बाद टोटल लॉस में चली गई है, तो ऐसी भी कुछ जगह देखने को मिली है। तो उससे इस बार की जो आपकी बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी बेहतर मिलेगी। सबसे अच्छी बात है इसका जो बेस वेरियंट है उसमें आपको हेलोजन का प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है, चारों पावर विंडो मिल जाता है, ऑटोमेटिक एसी मिल जाती है, और एक नया खास कलर आया है ब्लू कलर, जो अभी तक का सबसे बेहतरीन कलर है, जिसे आप अगर धूप में खड़े करते हैं तो अलग अलग एंगल से आपको अलग अलग कलर में दिखाई देती है। काफ़ी अच्छी और प्रीमियम कलर है ये। तो इस हिसाब से आप बलेनो को कंसिडर कर सकते हैं। आपको बेस और सेकेंड बेस में आपको 15 इंच के टायर मिलेंगे, और सेकेंड टॉप और टॉप मॉडल में 16 इंच के टायर मिलेंगे। दोनों मॉडल में, बेस और सेकेंड बेस दोनों मॉडल में आपको अलॉय व्हील नहीं मिलते हैं। बेस मॉडल में विदाउट अलॉय व्हील आते हैं, और सेकेंड बेस में आपको व्हील कैप मिलेंगे। तो इस तरह से गाड़ी होती है। डिक्की का काफ़ी बूट स्पेस अभी अच्छा है और पहले से काफ़ी गहरा है, तो ज़्यादा आप अपना सामान को इसमें रख कर ले जा सकते हैं। थोड़ी सी ये लेंथ में लंबी है, इसलिए लॉन्ग रूट की सफ़र भी आप कर सकते हैं। सेडान सेगमेंट में ये कार आती है और काफ़ी अच्छी है। फ़िलहाल मैं हूँ छत्तीसगढ़ में और ये जांजगीर का शोरूम है, नेक्सा शोरूम। तो यहाँ से आप और कोई डिटेल लेना चाहते हैं तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे, वहाँ से आप और भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस कार की फुल रिव्यू दूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं फुल रिव्यू के लिए, तब मैं जाकर इसकी फुल रिव्यू बनाऊँगा सारे मॉडल्स की। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। इसके कलर्स काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, और बॉडी में आप जो देख रहे हैं, जिस तरह आपको दिखा रहा हूँ, ये सेकेंड बेस वेरिएंट है। इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। अगर आप सेकेंड बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं। आप सीट कवर लगाइए, मैट लगाइए और गाड़ी को चलाना शुरू कर दीजिए, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप बेस वेरियंट लगाते हैं तो अगर आप 1 लाख रुपये, क्योंकि हर वेरियंट में 1 लाख रुपये का डिफरेंस है, तो 1 लाख रुपये में आपको उसमें कुछ नहीं मिलता है म्यूजिक सिस्टम के नाम पर। सिर्फ चारों डोर आपका पावर विंडो मिलेगा, एसी मिलेगा, ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, बाहर में कुछ नहीं रहेगा, सामने का क्रोम जो आपको नहीं दिखेगा, इस तरह से कुछ छोटी छोटी है। तो मुझे वैल्यू फॉर मनी बेस मॉडल ही लगती है। आप मार्केट से म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं, अलॉय व्हील तो इसमें भी नहीं मिलता है, तो आप व्हील कैप बाहर से भी लगवा सकते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बस ऑटो फोल्ड ORVM है, वो भी आप बाहर से कर सकते हैं।